हे देयर एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल सोनू कुशवाहा टेक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वन क्लिक में बैकग्राउंड को रिमूव कैसे किया जाता है। सिर्फ एक क्लिक करिए और बैकग्राउंड को रिमूव कर दीजिए तो आपको कोई भी ऐप में या कोई भी आप ब्राउजर खोलते हैं तो आपको तो मिल तो जाता है, लेकिन कोई ऐसे पार्ट होते हैं जिसको आप लोग मैनुअल ही करना पड़ता है। तो उसको कैसे किया जाता है, मैनुअल तो नहीं होता, आप जिसको कहेंगे सब ऑटोमेटिक ही ऑटो में हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि जिसको आप जहाँ से चाहते हैं आप वहीं से इसको रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ आपको वन क्लिक में फ़ोटो डालना है और ऑटोमेटिक आपको वह ऑटो कर देगा बैकग्राउंड रिमूव, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो कैसे क्या आता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बगल में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कौन सा ऐप है। चलिए हम लोग प्ले स्टोर में आते हैं और सर्च करते हैं फोटो रूम। फोटो रूम हम लोग सर्च कर लेते हैं। फोटो रूम सर्च करने के बाद देखिए सबसे पहले इसमें आ रहा है फोटो रूम बैकग्राउंड इरेजर एंड फोटो एडिटर। तो सबसे पहले आपको ऐसा ही आपको इंटरफेस मिलेगा। तो मैंने इसको ऐप को ऑलरेडी ही डाउनलोड करके रख चुका हूँ और इसका यूज बहुत दिनों से करता हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी बता दूँ कि कैसे इसका वर्क करता है। तो इसको मैंने देखिए आपको दिखा देते हैं, अपने आते हैं फ़ोन में और आपको देखिए आपको सब आप देख सकते हैं कि हाँ फोटो रूम में। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो आप लोग इसको डाउनलोडिंग कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाने के बाद, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट फ्रॉम फोटो पर आते हैं। चलिए कोई सा भी हमें फ़ोटो लेते हैं। चलिए गैलरी में आते हैं और गैलरी से कोई सा हमें एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आते हैं इसमें और देख लेते हैं। चलिए हम सब कोई भी सिंपली से एक फ़ोटो सिर्फ आपको दिखाना है कि कैसे यह वर्क करता है। तो आप लोग अपने से खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए एडप लाइट रूम में आ गए और एक ही फ़ोटो इसी को ले लेते हैं। मान के चलिए मैंने इसको एडिट कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सिर्फ आपको फ़ोटो ऐड करना है। देखिए इसका ऑटोमेटिक आपको बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते, देखिए इसमें क्लासिक में है, आप लोग सिर्फ वाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हैं और इसका आप PNG की तरह बना सकते हैं। देखिए नीचे आपको गया बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ब्लर और ऑटोमेटिक ब्लैक एंड वाइट वाला फ़ोटो हो गया और नीचे ब्लैक शैडो वाला हो गया। और इसमें आपको रनिंग फ़ोटो इफेक्ट देखिए इसमें क्लिक करिए, आप इसको डाउनलोडिंग सेव कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ डाउनलोडिंग नहीं करना है, आप सिर्फ फ़ोटो यहाँ डालना है और आप देख सकते हैं पीछे इसको रनिंग फ़ोटो आपको देख सकते हैं। चलिए इसमें आते हैं और अब इसमें और तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए देखिए प्रोफाइल पिक इसमें आपको दिखा रहा है, प्रोफेशनल फ़ोटो इन गैलरी आपको दिख रहा है, टेम्पलेट की तरह है, स्टार्ट ब्लैक कैनवास, इसमें बहुत तरीके। देखिए मैगजीन कवर के लिए है, मैंने इसमें आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें आपको एडिट मिलता है। इसको आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसमें फ़ोटो को पेस्ट करना है और एडिट करना है। तो चलिए मैंने आपको एक फ़ोटो बता दिया, अब दूसरा फ़ोटो लेके हम आपको दिखाते हैं। ये वाला फ़ोटो को देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मेरा सिंपल सा फ़ोटो है आप देख सकते हैं और इसको फ़ोटो को स्कैनिंग कर रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इसमें वर्क किया। देखिए आप देख सकते हैं इसमें आपको इसमें क्वालिटी कोई आपको डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि जो भी आपको क्वालिटी फ़ोन का है और जो भी फ़ोटो का सिंपली वही रहेगा। इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हेयर में कितने अच्छी तरह से इसमें इफेक्ट दिया है और साइड में जो भी आपको हल्का हल्का सा भी है उसमें भी आपको इरेज कर दिया है। तो इसे बहुत ही आसानी तरीके से आप इरेज कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। और इसको आप चाहेंगे तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। तो मैनुअल कैसे किया जाता है, तो बैग में आते हैं। चलिए हम इस फोटो में आते हैं और नीचे हमें आने के बाद देख लो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर पर्सन पर और हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए चलिए इसमें तो देखिए आप लोग के यहाँ मैनुअल में दिखने का इसमें फ़ोटो आ गया। और चलिए हम लोग इसमें मैनुअल इसमें कन्फर्म कर लेते हैं पूरा को जितना हम लोग करना है। चलिए हम लोग इसमें आते हैं कन्फर्म में और इसमें आपको मैनुअल में आपको कहाँ कहाँ करना है हम लोग सेलेक्ट कर लिए। ब्रश में आते हैं और देखिए आपको, तो चलिए हम इसमें ब्रश मार देते हैं और इसको देखिए मैनुअल से आपको इसमें बैकग्राउंड आराम से हट जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें आराम से कर सकते हैं। इसमें डन पर क्लिक करते देखिए आप मैंने जितना इसमें मैनुअल बैकग्राउंड लाया उसमें आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से आप आराम से इसमें ला सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। और जितने भी एडिटर लोग हैं एडिटर के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है, तो आप इससे बैकग्राउंड रिमूव करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, आप मैनुअल से भी कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा आप ऐप हमें आप कमेंट में करिएगा। तो आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब करने का चैनल को भूल जाते तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।